आज मसाला किचन में बन रहे हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कुरकुरे, बिना मेहनत के साबूदाना और आलू के पापड़। गर्मियों का टाइम आ गया है। होली के बाद अक्सर हम यही सोचते हैं कि ऐसे कुछ पापड़ बनाए जाएं जो सालों साल चले। नवरात्रे भी आते हैं, ऐसे में आज हम साबूदाना और आलू के अलग अलग पापड़ नहीं बनाएंगे, एक ही साथ बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, जब मन करे आप उसे बना सकते हैं। कुछ कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताती रहूँगी, उन ट्रिक्स को यदि फॉलो करेंगे तो आपके साबूदाने पापड़ बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और तो और, इसे आप कुरकुरे टाइप भी स्नैक्स के तौर पे खा सकते हो। साबूदाना पापड़ इतना टेस्टी है, इतना कुरकुरा है, मुंह में डालते ही घुल जाएगा। और ऐसे पापड़ हम साल भर रखें और बिना मेहनत के बनाएं, उसे देखते बनाया कैसे। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। एक कटोरी लिया है मैंने साबूदाना, जो कि नॉर्मल कोई भी कटोरी से आप नाप सकते हो, या मीडियम साइज वाले जिससे अक्सर हम खिचड़ी बनाते हैं वो साबूदाने हैं। वो मैंने साबूदाने ले लिए हैं और एक साइड में एक बड़े बर्तन में 7 कटोरी पानी का डाल रही हूँ, मतलब 1 कटोरी साबूदाना उसके लिए 7 कटोरी पानी। पानी को गर्म करने के लिए रख देते हैं। और साबूदाने जो हैं इसे हमने भिगाना नहीं है, बस उसी समय थोड़ा धोना है, जैसे उसका जो ऊपर का क्लाउडी सा पानी होता है ना, स्टार्च होता है, वो साफ हो जाए। बस उतना धो लीजिए 3-4 बार कि वो पानी उसका ऊपर से साफ लगने लगे। ये देखिए मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया है, अब जो पानी है बिल्कुल साफ है। यहाँ मैंने 2 छोटे मीडियम साइज के आलू लिए हैं, अगर बहुत छोटे हैं तो 3 ले सकते हैं, वरना 2 काफ़ी हैं, ये आपकी चॉइस है, आप घटा बढ़ा सकते हो। अब उसे छीलने के बाद मैंने पानी में डाल दिया है, क्योंकि कच्चा आलू लाल पड़ जाता है। अब इस धुले हुए आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। इसे आप बिना धूप के भी बना सकते हो, कोई धूप का टेंशन नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप ऊपर जाके धूप में अपनी स्किन को ख़राब करो, नॉर्मल आप कहीं पे भी डाल सकते हो। लीजिए ये मैंने ग्रेट करके उसे पानी में डाल दिया। इसमें जो खास बात है वो है ये कि जैसे आज आपके पास टाइम है, आपने साबूदाना नहीं भिगाया तब भी ये बन सकते हैं, बस नाप का ध्यान रखिए। एक और बात, अगर आप इसमें आलू डाल देते हैं तो स्वाद इतना अमेजिंग होगा कि क्या कहें। धूप की तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप नॉर्मल कहीं भी डाल दीजिए, न बेलने का झंझट, न स्टीम देने का झंझट, ना ही फटने का झंझट। अब यहाँ पर देखिए हमारा पानी गर्म हो गया है, अब ये जो आलू है मैंने एक छन्नी में डाल दिया, इसी छन्नी में मैंने साबूदाने भी डाल दिए। बस 1 कटोरी साबूदाना, बस इस ट्रिक का ध्यान रखिए, और 2 छोटे आलू। पानी क्योंकि गर्म हो गया था, मैंने साबूदाने डाल दिए, आलू डाल दिया, अब गैस मैंने बंद कर दिया। यहाँ मैंने इसे 30 मिनट के लिए रख दिया है। आप 30 मिनट रखें, 2 घंटे रखें, 1 घंटा रखें, चलेगा, लेकिन कम से कम आपको 30 मिनट रखना होगा। 30 मिनट बाद आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छे से फूल गए, क्योंकि पानी गर्म था ना, तो हमें टेंशन ही नहीं हुआ। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सेंधा नमक। अक्सर साबूदाना और आलू का पापड़ हम फलाहारी, मतलब व्रत जब अभी आएंगे ना नवरात्रे वगैरह, तो उसके लिए बना के रखते हैं और साल भर चलते हैं हमारे, तो सेंधा नमक मैंने डाल दिया। और वैसे आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे हमें मिक्स करना है। मैं विस्कर से इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े जो गुठले से हो गए हैं ना साबूदाने के, वो फटाफट से निकल जाएँ। अब यहाँ पर अगर आप जीरा वगैरह खाते हो व्रत में तो जीरा भी डाल दीजिए, बाकी आपकी चॉइस है। तो बस जीरा डालकर इसी तरीके से अब गैस ऑन कर दीजिए और इसे पकाना शुरू कर दीजिए। इसको बस ध्यान से आपको चलाते रहना है। अब यहाँ पर जैसे हमने पकाना शुरू किया ना, जैसे इसमें उबाला आना शुरू हुआ, बस 2 मिनट, घड़ी के हिसाब से आपको 2 मिनट के लिए उबालना है। बस इस कंडीशन में आ जाए, जब ये गाढ़ा हो जाए गैस बंद कर दीजिए। ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं, गाढ़ा हो गया है, अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक पे अक्सर हम डालते हैं, तो प्लास्टिक पे गर्म कोई भी चीज़ डालो तो नुकसान होता है, हमें ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद एक एक करछी भर के इस पर डालते जाइए। मैंने तो डाइनिंग टेबल पे ही डाल दिया है, आप कहीं पे भी डाल सकते हो, बालकनी में धूप आ रही है, नहीं आ रही है, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे बस वहाँ डालते जाइए। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम होना चाहिए। बहुत मोटे होंगे तो बहुत ज़्यादा थिक लगेगा और फिर ना उसको सूखने में बहुत वक्त लगेगा। बस कोई मेहनत नहीं है, घड़ी के हिसाब से आप 5 मिनट में आप इसे पूरा बना लोगे। 2 मिनट पकाना है और आपको 2-3 मिनट लगेंगे इसे डालने में।
अब आप मैं शाम को बना रही हूँ तो ये पूरी रात मैंने रख दिया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं आपको इसे पलट के दिखा रही हूँ। अगर आप मॉर्निंग में बनाते हैं तो शाम को पलट लीजिए, जब आपके अच्छे से पलटें तभी आप पलटने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से देखा ना आपने, छोटे छोटे से पापड़ कितने बढ़िया हो जाते हैं और स्वाद बहुत होता है, तो इसे ज़रूर बनाइए। और सेंधा नमक डालकर बनाएंगे ना तो व्रत में खा सकते हैं। अब पलटने के बाद एक दो दिन लगेगा इसे सूखने में, कम से कम दो दिन लगेगा, बिल्कुल इस तरीके से क्रिस्प हो जाए। जैसे मैंने अभी सुखा के रखे ना, ये देखिए बिल्कुल सूख गए, मैं तोड़ रही हूँ ना इस कच्चे को तो अच्छे से टूट रहा है, आवाज़ दे के टूट रहा है, क्योंकि हमें साल भर रखना होता है ना, तो इसमें हम जरा सी भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर धूप आती है तो बहुत ही बढ़िया, एक आध दिन थोड़ी देर आप धूप में भी रख दीजिए। अब मैं इन साबूदाने को आपको तल के दिखा रही हूँ। आप ऑयल रखिए गरम करने के लिए और अच्छा गरम कीजिए, क्योंकि अभी आज ही बनाए हैं हमने, ताज़े हैं। जब ये थोड़े दिन हम रख देते हैं ना तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, पर जब ताज़े होते हैं ना तो उसके लिए ऑयल अच्छा से गरम होना चाहिए। बस इसे डालते ही इस तरीके से निकालते जाइए, कितने बढ़िया लग रहा है ना, रेशे लग रहे हैं आलू के, कच्चे आलू के हमने डाले थे ना, ये रेशे जो दिख रहे हैं ना ये आलू के हैं और साबूदाने भी दिख रहे हैं। तो बिना झंझट के हैं ना, हमें रात को सोक करने की ज़रूरत पड़ी ना ज़्यादा टेंशन की, बस कुछ ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है। आपको 7 कटोरी पानी डालना है और आधा घंटा कम से कम रखना होगा। और तीसरी बात आपकी ये रहेगी कि उसे उतना पकाइए कि आप डालें तो बढ़िया से वहाँ ज़्यादा फैले भी ना और थिक भी ना रहे, और उसे पलटाएं तब जब पूरा अच्छे से पलटने लगे, उसे क्रिस्प कर लें, मतलब इतना सूख जाए कि बढ़िया टूट जाए। बस अब बनाइए और खूब सारे बना के रख लीजिए, साल भर के लिए रख दीजिए। और हाँ, इस पापड़ से एक जो फायदा है वो ये है, इसकी छोटी मोटी भूख में पापड़ की चाट भी बना सकते हैं, वो इस तरीके से। तो कैसा लगा आपको ये साबूदाना आलू का पापड़, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें।